हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है डिजिटल करेंसी के ऊपर। अभी रिसेंटली यूएन की एक संस्था, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन की एक संस्था है, उसने अभी एक रिपोर्ट लॉन्च किया है डिजिटल करेंसी के ऊपर। उस संस्था के मुताबिक ओवर 7% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ओन डिजिटल करेंसी 2021 के अंदर। अभी रिसेंटली यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अभी एक रिपोर्ट लॉन्च किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंदर मोर देन 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी है, राइट? और अगर मैं टोटल टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करूं, तो इंडिया का रैंक है टॉप 20 इकोनॉमीज में 7th नंबर पे। ओके, व्हाट आर द अदर हाइलाइट्स ऑफ द स्टडी? ये रिपोर्ट था, उसकी और भी हाइलाइट्स थी, उसके बारे में बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 15 ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज। कि डिजिटल करेंसी की अगर बात करो तो जो टॉप 20 इकोनॉमीज है उसमें इंडिया का रैंक तो 7th है, राइट? लेकिन टॉप 20 इकोनॉमीज में 15 तो डेवलपिंग कंट्री है, बराबर ना? तो मतलब डेवलपिंग कंट्री के पास डिजिटल करेंसी ज़्यादा है, राइट? यूक्रेन टॉप द लिस्ट विच इज़ फॉलोड बाई द रशिया। सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी कहाँ पे है? यूक्रेन के पास। सेकेंड नंबर पे रशिया, वेनेजुला, सिंगापुर, केन्या एंड US। ग्लोबल यूज ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, इंक्लूडिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बराबर ना? डिजिटल करेंसी में देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली डिजिटल करेंसी के अंदर तीन टाइप की करेंसी आती है। अगर मैं डिजिटल करेंसी की बात करूँ तो सबसे पहले आती है क्रिप्टो करेंसी, सेकेंड नंबर पे आती है वर्चुअल करेंसी, और थर्ड नंबर पे आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, बराबर ना? तो अभी मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बिटकॉइन। अभी आपको पता है कि बिटकॉइन को जो बनाने वाला है सतोशी नाकामोटो, बराबर ना? और वो कौन है, एक मेल है, फीमेल है कि कोई ग्रुप है, बराबर, वो भी किसी को नहीं पता। और बिटकॉइन कोई भी बना सकता है, क्योंकि जिसने बिटकॉइन को बनाया है उसने जो सॉफ्टवेयर से उसको बनाया है उस सॉफ्टवेयर को ही ओपन सोर्स जाहिर कर दिया है, राइट? तो कोई भी बिटकॉइन बना सकता है। और बिटकॉइन से अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे ना तो कोई थर्ड पार्टी को पता भी नहीं चलेगा, राइट? कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में कैसा ट्रांजेक्शन होता है कि ए पर्सन है जिसके पास बिटकॉइन है और वो बी पर्सन को देना चाहता है, राइट? तो दोनों के पब्लिक एड्रेस होते हैं। ए पर्सन का खुद का पब्लिक एड्रेस होता है, बी पर्सन का खुद का पब्लिक एड्रेस होता है। ए पर्सन कोई की सेट करता है, कोई पासवर्ड सेट करता है, और वो पासवर्ड है ना वो बी पर्सन को देगा। तो बी पर्सन जब भी अपने पब्लिक एड्रेस के ऊपर ये पासवर्ड डालेगा तो वो ए पर्सन के द्वारा जो भी बिटकॉइन उसको दिया गया वो उसके अकाउंट में आ जाएगा, राइट? मतलब ये जो दो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो दो पर्सन के बीच में हो रहा है, यहाँ पे तीसरा कोई भी ये दोनों ट्रांजेक्शन के बारे में पता नहीं कर सकता। यहाँ पे तीसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रांजेक्शन के बारे में पता नहीं कर सकता, राइट? तो ये क्रिप्टो करेंसी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि भाई अगर कोई दो पर्सन ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन करेगा तो हम उसके ऊपर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा अगर देश के अंदर ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होगी तो वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि लोग टैक्स से बचने के लिए लोग इलीगल कामों में ये यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे डिजिटल करेंसी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी जो उनके लिए हानिकारक है, बराबर? वर्चुअल करेंसी क्या है फ्रेंड्स? वर्चुअल करेंसी यहाँ पे जो आप फॉर एग्जांपल आप जब छोटे थे तब आप कुछ कोई गेम खेलते होगे और गेम में कोई कॉइन्स वगैरह आप जब अर्न करते हो ना तभी दूसरा स्टेज आता है, राइट? तो वो मतलब कोई गेम डेवलपर के द्वारा वो वर्चुअल करेंसी बनाई होती है, वो जो पर्टिकुलर गेम में ही काम में आती है, बराबर ना? तो ये वर्चुअल करेंसी है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है कि यहाँ पे जो हमारा जो पेपर मनी है, जो हमारी जो नोट है जो फिजिकल फॉर्म में, जो सिक्के हैं हमारे जो फिजिकल फॉर्म में, यही सेम चीज़ डिजिटल फॉर्म में होगी, मतलब उनको प्रिंट नहीं करना है। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सबसे पहला कंट्री सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंप्लीमेंट करने वाला है बहामस।
राइट। और सबसे बड़ा मेजर इकोनॉमी सेंटर में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है चाइना, राइट। तो चाइना ने 2020 के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहला कंट्री जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया था वो बहामास है। मतलब फिजिकल करेंसी आपको प्रिंट नहीं करनी है, उसका ही सेम फॉर्म डिजिटल फॉर्म में होगा, राइट। तो डिजिटल करेंसी में तीन टाइप की करेंसी आती है, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो चलो अभी भी आप रेगुलेट कर सकते हो, राइट, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो। तो इंडिया जो टॉप 20 इकोनॉमीज में 7वें नंबर पे है, और टॉप 20 इकोनॉमीज में टोटल 15 डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये एक डेंजर का साइन है अकॉर्डिंग टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल करेंसी का टाइप्स कितने हैं, तो तीन टाइप्स है, एक तो क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बराबर ना। तो ये हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये रेगुलेट ही होता है, बराबर ना। जस्ट एक पेपर मनी का डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन है, यहाँ पे आप रेगुलेशन नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ये करेंसी लॉन्च की होती है, वर्चुअल करेंसीज, राइट। अगर मैं डिजिटल करेंसी के फ़ायदे की अगर बात करूँ, तो उसके फ़ायदे क्या है, तो कि ट्रांजेक्शन टाइम फास्ट हो सकता है, ओके। डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेविंग कॉस्ट, बराबर ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेविंग कॉस्ट यहाँ पे अगर आप डिजिटल करेंसी होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं रहेगा, बराबर ना। ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, बराबर ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चल रहा है, तो उसका एक बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पर्पज़ से 100 करोड़ रुपया लॉन्च किया और वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई आपको एजुकेशन में डालना है उसको। तो अगर फिजिकल मनी होगा तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ बीच में 5-10 करोड़ आगे पीछे करके बराबर वो एजुकेशन में पैसा डालेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंदर होगा, कि जब फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 100 करोड़ रुपया जब स्टेट गवर्नमेंट को देने वाले थे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमांड दिया जाएगा कि भाई 1, 2, 3 सीरियल नंबर वाली जो नोट्स है ना, जो डिजिटल फॉर्म में, वही हम स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और वही नोट स्टेट गवर्नमेंट आगे एजुकेशन में भेजेगी, राइट। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रैक करना है कि भाई एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया है कि नहीं दिया, तो वो एजुकेशन में जहाँ जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, वो वहाँ पर कौन सी नोट चेक करेगा, 1, 2, 3 सीरियल नंबर वाला। तो ये यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इजी बन जाएगा, बराबर ना। ओके, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपका चीपर हो जाएगा, राइट। सब कुछ ट्रांजेक्शन डिजिटली होगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी चीपर हो जाता है, राइट। इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है फ्रेंड्स, बराबर ना, कि इट इज़ ससेप्टेबल टू द हैकिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैकिंग का, तो ये हैकिंग से ससेप्टेबल है, बराबर ना। वॉलेटाइल वैल्यू, अभी फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी अभी डिमांड में है, तो वो मार्केट में अच्छा चल रहा है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई कंट्री ने ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल यूएन ने ऐसा बोल दिया कि अभी से कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी कोई भी जगह पे, वो बैन कर दिया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू तुरंत से डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये वॉलेटाइल वैल्यू होती है, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करती है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है स्माइल 75 इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फॉर्मुलेट किया है एक कंप्रिहेंसिव स्कीम ऑफ स्माइल 75। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर द लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर द लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, बराबर ना। मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स मतलब जो अनप्रिविलेज है, जिनको इतनी फैसिलिटी इतनी नहीं मिली है, उनको सपोर्ट करना उनके लाइवलीहुड के लिए, राइट। तो ये स्माइल 75 इनिशिएटिव, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम फॉर्मुलेट की है। इस स्कीम के हेठर 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विल अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ द बेगिंग इन द स्पिरिट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस इनिशिएटिव के अंडर में 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या करेगी, जो उनके एरिया के अंदर जो बेगिंग एक्टिविटी के अंदर जो जुड़े हुए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन का काम करेगी, राइट। अभी वो किस तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन कोलाबोरेशन विद द एनजीओज एंड अदर स्टेक होल्डर्स विल कवर द सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स फॉर द पर्सन हु आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ द
बेगिंग विथ फोकस एक्सटेंसिवली ऑन द रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएगी कि उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनका काउंसलिंग करना, अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको स्किल डेवलपमेंट करना उनके अंदर, इकोनॉमिक लिंकेज प्रोवाइड करना, राइट। तो ये इस तरीके की रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी की जाएगी 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में इन कोलाबोरेशन विद द एनजीओस एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बराबर ना। और ये पूरी स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये पूरी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इंप्लीमेंट करेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट भी इस स्कीम के पीछे 100 करोड़ रुपया अलोकेट कर रही है, बराबर ना, 2025-26 तक 5 साल के लिए, बराबर ना। ओके, तो ये स्माइल 75 इनिशिएटिव है जहाँ पे जो बैगिंग एक्टिविटी के साथ जो जुड़े हुए उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एनजीओस और अदर स्टेक होल्डर्स साथ में मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। ओके, अगर मैं स्टेटस ऑफ द बेगर्स इन इंडिया की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 टोटल नंबर ऑफ द बेगर्स इन द इंडिया 4 लाख के आसपास है, इंक्लूडिंग द 2,20,000 मेल्स एंड 1,90,000 फीमेल्स, बराबर ना। एंड द नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट सेंसस, बराबर ना। अभी ये 2011 की बात है लेकिन अभी तो 2022 चल रहा है तो बहुत इंक्रीज हो गया होगा, राइट। और सबसे ज़्यादा बेगर्स कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल टॉप द चार्ट, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, राइट। एंड हाँ, और लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम मात्रा में बेगर्स है, राइट। अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो न्यू दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा बेगर्स हैं, बराबर, और सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करूँ तो आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा बेगर्स है, बराबर ना। तो ये आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना पड़ेगा, बराबर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, निपाम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपाम। अभी रिसेंटली एक्चुअली ये स्कीम जो निपाम है वो कब लॉन्च किया गया था, 2021 के अंदर, और उसने अचीव किया है टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस इन बेसिक ट्रेनिंग टू द 1 मिलियन स्टूडेंट्स, बराबर ना। उसने अभी ये स्कीम वैसे तो लॉन्च कब किया गया था, 2021 के अंदर, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, बराबर ना, 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस स्कीम के हेठड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस अभी 1 मिलियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है। और ये टारगेट जो है कि जो 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस और उनको ट्रेनिंग देने का जो टारगेट है इस स्कीम के हेठड, जो 15 अगस्त तक पूरा करना था और वो टाइम से पहले पूरा किया गया है। ओके, अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इस स्कीम के हेठड उन अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई आप जो इनोवेशन क्रिएट कर रहे हो उसको क्रिएट कैसे करना है, आप जो इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हो उसको क्रिएट कैसे करना है और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये बताया जा रहा है, क्लास 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स को, बराबर ना। ओके, अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये एक पान इंडिया मिशन है विच इज़ एम्स टू प्रोवाइड द अवेयरनेस ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट टू द 1 मिलियन स्टूडेंट, बराबर। 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना इस मिशन का प्लान था, राइट। इट एम्स टू इंक्यूलेट द स्पिरिट ऑफ द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द हायर एजुकेशन, जो क्लास 8 से 12 के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर स्पिरिट जगाना कि आप क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव बन सकते हो, आप इनोवेटिव बन सकते हो, राइट। और एंड इग्नाइट एंड इंस्पायर द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ टू इनोवेट एंड प्रोटेक्ट देयर क्रिएशन, के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई इनोवेशन बना के रखा है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, बराबर ना। तो यहाँ पे उनको यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना था, उसका इस मिशन का मेन मिशन। ये मिशन कौन इंप्लीमेंट करवा रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम कर रही है इसके द्वारा ये मिशन इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ना फ्रेंड्स, एक्चुअली दो टाइप के होते हैं मेनली, बराबर ना। एक तो कॉपी राइट्स के फॉर्म में द राइट्स ऑफ द ऑथर्स ऑफ द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, फॉर एग्जांपल बुक्स एंड अदर राइटिंग्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, पेंटिंग्स, कल्चर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड फिल्म्स, बराबर ना। तो ये कॉपी राइट्स से प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। और फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ द 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, बराबर ना। ये कॉपी राइट्स कब तक एक पर्सन की एसेट रहती है, तो उसकी डेथ के बाद में भी 50 साल तक, बराबर ना, तब तक उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव साइंस इन पर्टिकुलर ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस,
राइट। तो जो जी आईस है, ट्रेडमार्क्स है, बराबर, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, बराबर ना, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने का आपका पूरा अधिकार है, राइट। अगर मैं व्हाट आर द ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से ट्रीटीज़ और कौन कौन से कन्वेंशंस है उसके बारे में बात करूँ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट लॉन्च किया है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप एग्रीमेंट, और इंडिया उसका मेंबर है, राइट। और इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, बराबर ना। तो ये दो ट्रीटीज़ के अंदर इंडिया शामिल है, राइट। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर मेनली ये ट्रीटीज़ है, ये एग्रीमेंट्स है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारे नेशनल लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016, बराबर ना। तो ये दो एक्ट हैं जिसके अंदर में पेटेंट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज की गई है, मैन्यूअल स्केवेंजर्स एन्यूमरेशन एक्सरसाइज, बराबर ना। अभी एक्सरसाइज क्या है उसके बारे में समझते हैं फ्रेंड्स, कि एक्चुअली एक स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम का नाम है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मेकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मेकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम है। ये स्कीम के हेठर कि जो मैनुअल स्केवेंजिंग करते हैं, मैनुअल स्केवेंजिंग मतलब जो सीवेज एंड सेप्टिक टैंक को जो साफ़ करते हैं, जो गटर वगैरह जो साफ़ करते हैं मैन्युअली, तो उन लोगों के बारे में बात चल रही है, मैनुअल स्केवेंजर्स की। अभी रिसेंटली WHO ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था कि मैनुअल स्केवेंजिंग से 2021 के अंदर इंडिया के अंदर 217 लोग एक्सपायर हो गए, राइट। तो ये मैनुअल स्केवेंजिंग ना करना पड़े इसके लिए एक नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई है, राइट। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मेकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन तो करना है लेकिन मेकेनाइज वे में, मशीन का यूज़ करके, राइट। तो ये नमस्ते स्कीम के अंडर में यहाँ पे जो मैनुअल स्केवेंजर्स है 500 अमरुत सिटीज़ के, अमरुत सिटीज़ मतलब अटल मिशन फॉर द रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज़ 100 है और अमरुत सिटीज़ 500 है। जो सिटी को डेवलप करना है वो अमरुत सिटी है, जो ऑलरेडी डेवलप है वो स्मार्ट सिटी है, राइट। तो ये 500 अमरुत सिटीज़ के अंदर जितने भी मैनुअल स्केवेंजर्स है उनको नमस्ते स्कीम के हेठर एक योजना लॉन्च की गई है, और ये योजना का नाम क्या है, स्वच्छ उद्यमी योजना। स्वच्छ उद्यमी योजना, ये योजना के हेठर जितने भी मैनुअल स्केवेंजर्स ये 500 अमृत सिटीज़ के अंडर में है जो मैनुअल स्केवेंजिंग करते हैं उनको मशीन देने के लिए लोन या तो फिर ग्रांट दी जाएगी, राइट। ये स्वच्छ उद्यमी योजना के हेठर, राइट। तो अभी ये 500 अमरुत सिटीज़ के अंदर मैनुअल स्केवेंजर्स कितने हैं उसकी गिनती की जा रही है। ये जो हमने एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है मैनुअल स्केवेंजर्स इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन का मतलब गिनती, काउंटिंग, गिनती की एक्सरसाइज की जा रही है। किन लोगों की गिनती की जा रही है मैनुअल स्केवेंजर्स की, कहाँ पे, 500 अमरुत सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वो अगर वो उनको हम ढूंढेंगे तब उनको मशीन्स प्रोवाइड करेंगे ना, उनको मशीन्स कौन सी योजना के अंडर में प्रोवाइड किया जा रहा है, स्वच्छ उद्यमी योजना। और ये योजना कौन सी स्कीम के हेठड़ में है, नमस्ते स्कीम के हेठड़ में। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये पूरा न्यूज़ था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। तो मैनुअल स्केवेंजिंग किसको बोलते हैं, तो द रिमूवल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लेटरिंग्स, क्लीनिंग द सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स, इसको बोलते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग, बराबर ना। तो मैनुअल स्केवेंजिंग मैनुअली नहीं करना है, अभी मेकेनाइज वे से करना है, राइट। और इंडिया बैन द प्रैक्टिस अंडर द, ये जो मैनुअल स्केवेंजिंग की जो प्रैक्टिस है उसको इंडिया ने बैन कर दिया है, कौन से एक्ट के अंडर में, प्रोहिबिशन ऑफ द इम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंडर में, बराबर ना। तो ये ऑलरेडी बैन है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह पर हो रहा है, बराबर ना। हाँ, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उदर शक्ति एक्सरसाइज। उदर शक्ति एक्सरसाइज फ्रेंड्स अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया के एयरफोर्स के बीच में हुआ। इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड द उदर शक्ति। इंडिया और मलेशिया के बीच में जैसे ये एयरफोर्स एक्सरसाइज की जो नाम है वो उदर शक्ति एक्सरसाइज है, उसी तरह एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति, बराबर ना। इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, बराबर ना। ओके,
अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो इस एक्सरसाइज के अंदर इंडिया की तरफ से कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उधर शक्ति एक्सरसाइज है, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसलिए इसके अंदर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो इंडिया का जो सुखोई M30 जो एयरक्राफ्ट है और C-17 एयरक्राफ्ट है उसने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। ओके, ये एक्सरसाइज क्यों की जाती है? तो एक्सरसाइज विल बी स्ट्रेंथन द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप्स एंड इनहेंस द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द बोथ आर्मीज, बराबर ना। जो इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी है, बराबर, उनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन हो और उनके फ्रेंडशिप, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है हर साल, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेवलप कंट्री कोड। अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच अभी जो कंडक्ट की थी, उनके उस स्पीच के अंदर पंच प्रण, एक पांच प्रण लिए हैं उन्होंने, जो हमको कंप्लीट करने हैं 2047, जब हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो गए तब तक, राइट। उसमें से पहला प्रण है कि इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा नेक्स्ट 25 साल के अंदर, और बाकी के चार प्रण कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। कि रिमूविंग एनी साइन ऑफ द सर्विलिटी, सर्विलिटी मतलब नेपोटिज्म, कि फॉर एग्जांपल आप अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो अगर आप वो गवर्नमेंट ऑफिसर के अच्छे रिलेटिव हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, वरना आपका काम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। या तो फिर वो कुछ पैसा लेगा तो जल्दी आपका काम हो जाएगा, ऐसा एक सिचुएशन। तो मोदी जी ने बोला कि हमको ये जो सर्विलिटी का जो साइन है उसको रिमूव कर देना है 25 साल के अंदर। थर्ड प्लेज है, हमको हमारे हेरिटेज के ऊपर प्राइड होना चाहिए, हमको हमारे हेरिटेज को इतना डेवलप करना है कि वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमको गर्व महसूस हो कि ये हमारा हेरिटेज है, राइट। फिर यूनिटी होनी चाहिए। और फिफ्थ प्लेज है फुलफिलिंग अवर ड्यूटीज़, हमको हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से अदा करनी चाहिए। ये पाँच गोल हैं जो हमको नेक्स्ट 25 साल के अंदर प्ले करने हैं, राइट। और उसमें से पहला गोल है डेवलप कंट्री का गोल, राइट। अभी ये डेवलप कंट्री क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। भी डेवलप कंट्री क्या होती है? एक डेवलप कंट्री इज इंडस्ट्रियलाइज, के जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डेवलप कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है कि जहाँ पे क्वालिटी ऑफ द लाइफ हाई होती है, राइट, एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही हाई होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो आर दोज इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशंस और आर प्री इंडस्ट्रियल एंड ऑलमोस्ट एंटायरली एग्रेरियन। डेवलपिंग कंट्री कौन सी कंट्री होती है? कि या तो वो एंटायरली एग्रेरियन कंट्री हो, या तो प्री इंडस्ट्रियल फेज में हो, या तो फिर वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के अंदर हो। देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर तीन फेज आते हैं। फेज नंबर वन, एक तो एंटायर एग्रेरियन फेज आता है, फेज नंबर वन। अगर ये फेज कंप्लीट हो गया तो सेकेंड फेज आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और ये फेज कंप्लीट होने के बाद आता है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, थर्ड फेज, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट, सबसे पहला फेज है एग्रेरियन, मतलब देश की जो मोस्ट ऑफ द इनकम है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आती है, मतलब वो डेवलपिंग कंट्री है, और आप बोल सकते हो लीस्ट डेवलप कंट्री है। सेकेंड फेज आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज से और खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो आपका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज चल रहा है, ऐसा बोला जाता है। और थर्ड फेज है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, अभी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप की इंडस्ट्री है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। जब मैन्युफैक्चरिंग से पैसा ज़्यादा आता है कंपेयर टू सर्विस तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज है, लेकिन जब सर्विस सेक्टर से ज़्यादा पैसा आता है तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज हो जाता है, राइट। तो और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के अंदर जो कंट्री होती है उसको डेवलप कंट्री बोला जाता है, राइट। ओके, उसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से उसको मेजर कर सकते हो, राइट। ओके, और दूसरा पैरामीटर क्या है कि कोई कंट्री डेवलप कंट्री है कि नहीं, वो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? तो एक तो GDP, हाँ, अकेले GDP से आप नहीं बोल सकते कि ये कंट्री डेवलप कंट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम GDP की बात करें तो
हमारा जो जीडीपी है वो दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। हमारी जो जीडीपी जो इकोनॉमी है हमारी, वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी, बराबर ना। तो इस तरीके से तो इंडिया डेवलप कंट्री हो गया, लेकिन आप अकेले जीडीपी से आप कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री आप नहीं बोल सकते। हाँ, जीडीपी के साथ अगर आप पर कैपिटा इनकम को भी मेजर करते हो तो आप पर कैपिटा इनकम से आप बोल सकते हो कि भाई ये डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री, बराबर ना। कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बांग्लादेश से भी कम है, बराबर ना। तो अगर हम जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को साथ में मेजर करें तो हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है, राइट। ओके, दूसरा एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि कोई कंट्री डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये फ्रेंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है उसके अंदर दो फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, एक तो एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, ये दो फैक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेल्थ, कोई कंट्री की वेल्थ कितनी है वो पैरामीटर नहीं है इस इंडेक्स के अंदर जो डिफाइन करता है कि कोई कंट्री डेवलप है कि डेवलपिंग कंट्री है, राइट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे डेवलप कंट्री है ना स्विट्जरलैंड है, लेकिन क्या स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम US से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स लॉन्च किया जाता है कोई पर्टिकुलर कंट्री को मेज़र करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए, तो यहाँ पे दो ही फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ पे लोग कितना जीते हैं और कैसे जीते हैं, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे डेवलप कंट्री है स्विट्जरलैंड, राइट। तो ये दूसरी एक डेफिनेशन हो गई कि एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, राइट। UN के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री, वो किस तरीके से वो मेज़र करता है? उसने सभी कंट्री को चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, लो इनकम, लोअर मिडल इनकम, अपर मिडल इनकम और हाई इनकम। जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1085 डॉलर्स और 1085 डॉलर से कम है वो लो इनकम कंट्री है। जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम लो 1086 डॉलर से 4255 डॉलर के बीच में है वो लोअर मिडल इनकम कंट्री की कैटेगरी के अंदर आती है। जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम 4256 डॉलर से 13205 डॉलर के बीच में आती है वो अपर मिडल इनकम की कैटेगरी में आती है। और जो कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम 13205 से ज़्यादा है, 13205 डॉलर से ज़्यादा है, वो हाई इनकम कैटेगरी के अंदर आती है। हमारी इंडिया की अभी पर कैपिटा इनकम 2100 डॉलर के आसपास है, 2100 डॉलर के आसपास, इसलिए वो लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में आ रही है। तो ये UN का क्राइटेरिया है, वो पर कैपिटा को कंसीडर करती है कोई कंट्री डेवलप है कि डेवलपिंग है उसको मेजर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे तीन चार संस्था अलग अलग डेफिनेशन को कंसीडर करती है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है डेवलप कंट्री की। और मोदी जी ने अभी एक प्रण लिया है कि हम इंडिया 2047 तक, आज़ादी के 100 साल के बाद डेवलप कंट्री बनेगी, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली फीफा ने बैन किया है इंडिया को। अभी ये क्यों किया है, किसको किया है, उसके बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर BCCI है, क्रिकेट के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर BCCI है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसी तरीके से फुटबॉल के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको रेगुलेट कौन करता है, फीफा, और नेशनल लेवल के ऊपर कौन रेगुलेट करता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो फीफा के द्वारा अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अभी बैन किया गया है, सस्पेंड किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट है, जो प्रफुल पटेल, जो प्रेसिडेंट थे एक्चुअली प्रफुल पटेल, वो अनविलिंगनेस दिखा रहे थे अपनी पोस्ट को वैकेंट करने के लिए, राइट। उनको अपनी पोस्ट के ऊपर बरकरार रहना था, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे दूसरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, राइट। ओके, तो यहाँ पे बहुत टाइम से प्रफुल पटेल ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने रहे थे,
वो अपनी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, फुटबॉल को अच्छे लेवल के ऊपर ले गए हैं, उन्होंने अब इतना कुछ काम भी नहीं किया है राइट इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बराबर ना, फिर भी वो बहुत लंबे टाइम से प्रेसिडेंट बने हुए थे और दूसरा इलेक्शन ही कैरी आउट नहीं करने देते थे राइट। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो गवर्नेंस प्रोसेस है उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंट के पद के ऊपर से निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी कमेटी बिठाई, उसको बोलते हैं कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, COA कमेटी बैठाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरीके से, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो सभी डेली डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी अभी देख रही है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन राइट। अभी फीफा क्या बोल रहा है कि हम रेगुलेट किसको कर रहे हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का तो कोई खुद का गवर्नेंस ही नहीं है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो डे टू डे अफेयर्स है वो कौन रन करवा रहा है, कोई थर्ड पार्टी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई एक कमेटी है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के डे टू डे अफेयर्स को देख रहा है। फीफा बोल रहा है कि हमने तो जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अपनी मेंबरशिप दी थी तब उसका खुद का गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर रही है, तो हम ऐसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अपना मेंबर नहीं बना सकते, इसलिए जब तक कोई दूसरा इलेक्शन नहीं होगा तब तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को हम बैन कर रहे हैं, मतलब हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है चाहे फिर वो मैन हो या फिर वुमेन, वो कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेल सकती राइट। ओके, तो ये पूरा केस है एक्चुअली बराबर ना, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन द सिटीज़ एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। WHO के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन द सिटीज़, और ये रिपोर्ट के अंदर मोर देन 7,000 सिटीज़ का सर्वे किया गया है, मोर देन 7,000 सिटीज़ का सर्वे किया गया है और कौन से पीरियड के बीच में, 2010 से लेकर 2019 के बीच में बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को बनाने के लिए WHO ने दो फैक्टर को कंसिडर किया है, एक फैक्टर है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और दूसरा फैक्टर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी देखो कोई भी सिटी के एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी जगह के एटमॉस्फेयर के अंदर पर्टिकुलेट मैटर तो होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर रीजन का एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड कब कहलाया जाता है, कि जब वो पर्टिकुलेट मैटर का जो डायमीटर होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो तब वो पर्टिकुलर रीजन वो पॉल्यूटेड रीजन है ऐसा माना जाता है। अब ये 2.5 माइक्रोमीटर एक ऐसा डायमीटर है कि जो आपकी जो ह्यूमन बीइंग के जो हेयर्स होते हैं ना उसका 3% उसका डायमीटर होता है, 2.5 माइक्रोमीटर मतलब हमारे जो हेयर्स हैं उसके 3% उसका हेयर का जो डायमीटर है ना उसका 3% डायमीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 2.5 माइक्रोमीटर जितना होता है। तो अगर कोई रीजन के एटमॉस्फेयर के अंदर पर्टिकुलेट मैटर है और उनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो ऐसे रीजन के एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर माना जाता है राइट। तो अगर मैं PM 2.5 को कंसीडर करूँ तो 7,000 सिटी का सर्वे किया गया WHO के द्वारा और उसमें सबसे पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली और सेकेंड नंबर पर है कलकत्ता, सेकेंड नंबर पर है कोलकाता। तो एक तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कम एटमॉस्फेयर में फैलता है कि कोई फ्यूल का कंबसन होने से, इंडस्ट्री के में से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से बराबर ना। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ ना तो टॉप 20 सिटी में हमारी एक भी सिटी नहीं है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है शंघाई जो चाइना की है, शंघाई राइट। तो ये आपको डेटा याद में रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमारी कोई भी टॉप 20 के अंदर हमारी एक भी सिटी नहीं है और PM 2.5 से जो पॉल्यूशन निकलता है बराबर ना, यस, तो इसमें दिल्ली और कोलकाता फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है 7,000 सिटीज़ के अंदर बराबर ना। ओके, अगर मैं डेथ बर्डन की बात करूँ कि ये पॉल्यूशन की वजह से डेथ कितनी हुई है, तो डेथ बर्डन सबसे ज़्यादा बीजिंग के अंदर, सबसे ज़्यादा बीजिंग के अंदर पॉल्यूशन की वजह से लोगों की डेथ हुई है और हमारा दिल्ली छठे नंबर पे है, दिल्ली
छठे नंबर पे है। अगर मैं पॉल्यूशन की वजह से, खास करके PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से जो डेथ हुई है लोगों की, उसमें बीजिंग फर्स्ट नंबर पे है 7,000 सिटीज़ में, और दिल्ली छठे नंबर पे है। ओके, तो ये WHO की तरह एक रिपोर्ट बनाया गया है। 7,000 सिटीज़ से ज़्यादा यहाँ पे ये WHO ने सर्वे किया है और दो फैक्टर को कंसिडर किया है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि PM 2.5 लेवल्स के अंदर हमारा दिल्ली और कोलकाता वो फर्स्ट एंड सेकंड आया है, बराबर, पूरे 7,000 सिटीज़ के अंदर, बराबर ना। और NO2 लेवल के अंदर हमारा टॉप 20 के अंदर एक भी सिटी नहीं है, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन शंघाई के अंदर, शंघाई के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है, बराबर ना। ओके, अगर मैं डेथ बर्डन की बात करूँ तो बीजिंग जो लार्जेस्ट डिसीज बर्डन एसोसिएटेड विद द PM 2.5 रिलेटेड डिसीज एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलेटेड डिसीज, राइट, और जो दिल्ली है वो हमारा छठे नंबर पे है। ओके, है ना। तो 1 लाख पर्सन में से 124 लोगों की डेथ हो जाती है बीजिंग के अंदर ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, और मैं दिल्ली की बात करूँ 1 लाख पर्सन में से 106 लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल 2022 अभी अनाउंस किया गया है। अभी ये बिल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2022, और ये बिल जब पार्लियामेंट में पास होगा ना तो वो रिप्लेस करेगा इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को, जो 110 साल पुराना एक्ट है, उसको वो रिप्लेस करेगा जब वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तब, राइट। ओके, अभी ये बिल पार्लियामेंट में क्यों पेश किया गया है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि जो अभी जो रिसेंट जो एक्ट चल रहा है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, वो 110 साल पुराना है, और अभी 110 साल के अंदर तो कितने सारे नए एग्रीमेंट्स हो गए हैं। अगर मैं पोर्ट के रिलेटेड बात करूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो हमको उस एग्रीमेंट्स को अगर उसके साथ चलना है, राइट राइट, के समय के साथ चलना है, तो हमको हमारे एक्ट के अंदर भी समय के साथ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये नया बिल पेश किया गया है, और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो पोर्ट है वो हमारे लिए कितना मायने रखता है उसके बारे में बात करते हैं। कि हमारा जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, और उसके अंदर में अगर मैं बात बात करूँ नेविगेबल वाटरवेज हमारा कितना लंबा है, 14,500 किलोमीटर हमारा लंबा नेविगेबल वाटरवेज है, राइट। तो इसके लिए पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके अलावा हम जितना भी ट्रेड करते हैं बाय वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल हम 100 kg ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से 95 kg हम बाय वाटर वे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 100 kg, 100 करोड़ का ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से 65 करोड़ का ट्रेडिंग हम बाय वाटर वे करते हैं। तो इसके लिए ये पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, और हमारे यहाँ पे पोर्ट्स को है ना दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स, बराबर, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स, दो टाइप के अंदर पोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। मेजर पोर्ट्स टोटल इंडिया के अंदर 12 है, राइट, और ये मेजर पोर्ट्स का जो मेंटेनेंस है ना वो कौन करवाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। माइनर पोर्ट्स का जो मेंटेनेंस करवाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करवाता है, राइट। माइनर माइनर पोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, उसकी जो मेंटेनेंस करता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और मेजर पोर्ट्स 12 है उसका मेंटेनेंस और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना। ओके, हमारे यहाँ पे 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स है और 12 मेजर पोर्ट्स है, बराबर ना। तो मेजर पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और पोर्ट सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से यहाँ पे परमिशन दे दी है, कि अगर कोई FDI करना चाहता है कोई फॉरेन इन्वेस्टर पोर्ट सेक्टर के अंदर, तो वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल वो 100% ऑटोमेटिक रूट से FDI कर सकता है। ओके, मेजर पोर्ट्स को है ना, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 एंड इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंदर में उसको मेंटेन किया जा रहा है, और माइनर पोर्ट्स को इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंदर में मेंटेन किया जा रहा है, बराबर, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ओके, अगर मैं मेजर पोर्ट्स की बात करूँ तो 12 मेजर पोर्ट्स इस लोकेशंस के ऊपर आए हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बराबर ना।
तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स. ओके चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक्सपल्सन किया गया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंडर में. तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, उसमें कितना एक्सपल्सन किया गया है उसके बारे में बात करते हैं. राइट कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इन्हेंसमेंट इन द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू एंटरप्राइजेस इन द हॉस्पिटलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स एज द पेंडेमिक डिसरप्टेड दिस सेक्टर्स. बराबर ना, गवर्नमेंट ने ये एक्सपेंशन किया है लेकिन कौन से सेक्टर्स के लिए, हॉस्पिटलिटी एंड रिलेटेड सेक्टर्स के लिए. राइट क्योंकि वो पेंडेमिक की वजह से वो बहुत सारा उनके अंदर डिसरप्शन आ गया है. गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है अमाउंट बाय 50,000 करोड़ फ्रॉम रुपीज़ 4.5 लाख करोड़ टू 5 लाख करोड़. अभी ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको ये पूरी न्यूज़ समझा दूंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये लाइन क्या कहना चाहती है. राइट चलो अभी हम ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में समझते हैं. ओके रीपेमेंट बंद हो गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो कोई ऐसी संस्था है कि जिसने ये पर्टिकुलर डेट तक अच्छी तरीके से रीपेमेंट किया है अपने लोन्स का लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है तो हम उसको फिर से लोन देंगे, उसको अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए फिर से लोन दी जाएगी. राइट अभी लोन कितनी दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये MSME ने 10 करोड़ रुपए की लोन ली थी एक साल पहले, उसमें से एक साल के अंदर उसने 6 करोड़ का रीपेमेंट अच्छे तरीके से कर लिया. अभी आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, 4 करोड़ आउटस्टैंडिंग बचा है 4 करोड़. तो ये 4 करोड़ का 20% जो आउटस्टैंडिंग पैसा बचा है ना उसका 20% वो फिर से लोन ले सकता है. और ये 4 करोड़ का 20% लोन तो उसने लिया तो लोन किसके लिए लिया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए. ऐसा नहीं कि वो उसका रीपेमेंट जो उसके बाकी के लोन उसका रीपेमेंट करने के लिए उसको लोन दिया गया, ऐसा नहीं है. ये 4 करोड़ का 20% जो लोन उसको दिया गया है वो फिर से अपने बिजनेस में डालेगा और ये लोन उसको है ना 4 साल के अंदर वापस करनी है. 4 साल के अंदर उसमें से एक साल उसको मॉरेटोरियम मिलेगा, मतलब एक साल तक उसको कुछ भी पे नहीं करना है इस लोन का और बाकी के 3 साल के अंदर उसको धीरे धीरे उसको रीपेमेंट करना है. राइट तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम MSME सेक्टर के लिए लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर. 2 लाख करोड़ तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2 लाख करोड़ तक लोगों को इस माध्यम से हम लोन दे सकते हैं. ओके तो जब लॉन्च किया गया था तब 2 लाख करोड़ का था. ये ECLGS 1.0 की मैंने बात की, अभी ECLGS 2.0 आया. ECLGS 2.0 के अंदर जो मैंने बोला ना कि 4 साल के अंदर आपको लोन का रीपेमेंट करना था, आपने जो 20% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का लिया वही रीपेमेंट अभी 5 साल का हो गया, मतलब 1 साल और बढ़ाया गया क्योंकि सिचुएशन ऐसी देखने को मिली कि फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गया था लेकिन लोगों के बिजनेस इतने स्टार्टअप नहीं हो पा रहे थे तो RBI ने जो पहले 1 साल और मॉरिटोरियम और 3 साल के अंदर रीपेमेंट करने को बोला था ना अभी उसकी जगह 2 साल मॉरिटोरियम, मतलब आपने जो लोन ली है उसका 2 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है और बाकी के 3 साल के अंदर आपको ये बाकी का रीपेमेंट करना है. तो ये 5 साल ECLGS 2.0 के अंदर इस 4 साल की जगह लोन का जो रीपेमेंट का टाइम है वो 5 साल कर दिया गया. राइट फिर उसके बाद ECLGS 3.0 लॉन्च किया, फिर उसके बाद ECLGS 3.0 लॉन्च किया. अभी ECLGS 1.0 और 2.0 मात्र MSME सेक्टर के लिए था लेकिन ECLGS 3.0 के अंदर MSME ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हॉस्पिटलिटी सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, ये सभी सेक्टर के जो कोविड के टाइम पे बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हुआ था उन सभी सेक्टर्स के अंदर ये सभी सेक्टर को शामिल किया गया ECLGS 3.0 के अंदर. और जो पैसा पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 20% लोन मिलता था ना 29 फरवरी 2020 के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 20% और यहाँ पे अभी वो पैसा 40% मिल रहा था. मतलब जो लोगों ने 29 फरवरी 2020 के बाद जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो पहले से उन्होंने लोन लेके रखा है उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 40% तक वो फिर से लोन ले सकते हैं. राइट अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए और यहाँ पे भी 5 साल का टाइम दिया गया, 2 साल मॉरिटोरियम और 3 साल का रीपेमेंट पीरियड. ये ECLGS 3.0 था. उसके बाद ECLGS 4.0 आया कोविड के सेकेंड वेव के दौरान. ECLGS 4.0 की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको पता है कि कोविड के सेकेंड वेव के अंदर
ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। तो जो भी पर्सन, जो भी संस्था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहता है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहता है, उसको 2 करोड़ तक की लोन कोलेटरल फ्री मिलेगी। 2 करोड़ तक की लोन कोलेटरल फ्री मिलेगी, ऐसा बोला गया ECLGS 4.0 के अंदर। कि जो भी संस्था, जो भी कोई पर्सन, जो भी कोई क्लिनिक वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसको 2 करोड़ तक की लोन कोलेटरल फ्री मिलेगी ECLGS 4.0 के अंदर। तो जो ECLGS 1.0 के अंदर 2 लाख करोड़ का स्कीम अनाउंस किया गया था, ये ECLGS 4.0 तक आते आते गवर्नमेंट ने 4.5 लाख करोड़ की गारंटी ले ली थी। 4.5 लाख करोड़ की लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ECLGS 4.0 तक। अभी ये एक्सपांसन किया जा रहा है और 50,000 करोड़ का, मतलब ये 4.5 लाख करोड़ से अभी 5 लाख करोड़ की स्कीम बन रही है। और ये एक्सपांसन के अंदर किसको पैसा दिया जाएगा? हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर ये पैसा दिया जाएगा 50,000 करोड़ तक का। और कब तक दिया जाएगा? 31 मार्च 2023 तक। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, वैसे तो वो लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। लेकिन उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2017 के अंदर, 27 अप्रैल 2017 के अंदर उसकी फर्स्ट फ्लाइट लॉन्च हुई थी उड़ान स्कीम के अंडर में, और उसके अभी 5 साल रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। राइट, तो उड़ान स्कीम 2016 के अंदर वैसे लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, लेकिन उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है जो 27 अप्रैल 2017 के अंदर उसको चलाया गया था, तो उसके 5 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। तो अभी उड़ान स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एक वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। उड़ान स्कीम वो क्या है? एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। राइट, इस स्कीम के अंडर में एक फ़ंड बनाया गया है, रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड, ये फ़ंड बनाया गया है। और ये फ़ंड क्या करता है? इसके अंदर जो पैसा होता है ना, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए काम में आता है। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये उड़ान स्कीम के अंदर ये एक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। मतलब फॉर एग्जांपल, दो ऐसी जगह कि जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, या तो फिर एयरपोर्ट है लेकिन बहुत ही कम फ्लाइट आती है, तो ऐसी जगह से आप एयर ट्रैवलिंग करके दूसरी कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है या तो फिर बहुत ही कम फ्लाइट आती जाती रहती है, तो इन दोनों जगह को कनेक्ट करने की यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंदर में बात की गई है। राइट, तो यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंदर में पैसा कहाँ पे खर्च होगा? तो जहाँ पे एयरपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे नए एयरपोर्ट्स क्रिएट करने हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं आती है तो उसको रीडेवलपमेंट करना है, और दो ऐसी जगह कि जहाँ पे बीच में कोई पहले ट्रैवलिंग नहीं होता था एयर ट्रैवलिंग, तो अभी वो शुरू करना है, तो इसके लिए आपको रूट्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ये रूट्स के लिए भी आपको पैसा लगेगा कि रूट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, बराबर ना? तो ये सभी के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर ये पैसा, ये फंडिंग कर रहा है, लेकिन जो कुछ फंडिंग, फॉर एग्जांपल कुछ फंडिंग शॉर्टफॉल हो रहा है, तो ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो कहाँ से मिलेगा? रीजनल कनेक्टिविटी फंड है वहाँ से मिलेगा। तो ये फंड में जो पैसा होगा वो वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो गैप रहेगा फंडिंग के अंदर, वो वहाँ से निकालेगा। राइट, समझ में आया फ्रेंड्स? अभी तक उड़ान स्कीम के अंदर, वैसे वो 2016 के अंदर स्कीम लॉन्च की गई, अगर मैं 2014 तक की बात करूँ तो टोटल इंडिया के अंदर 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। अभी इंडिया के अंदर 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं बिकॉज ऑफ द उड़ान स्कीम। राइट, 68 अंडरसर्व्ड और अनसर्व डेस्टिनेशंस उड़ान स्कीम के अंदर में इम्प्लीमेंट किए गए हैं अभी तक, बराबर ना? और उसके अलावा 425 नए रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उड़ान स्कीम के अंदर में, टोटल 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, बराबर। और मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स हैव अवेल्ड द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, अगर मैं 4 अगस्त 2022 तक की बात करूँ तो ये उसकी अचीवमेंट्स है, बराबर। और उसके अभी 5 साल कंप्लीट हुए हैं। टोटल अगर मैं टारगेट की बात करूँ कि उड़ान स्कीम का टारगेट क्या है, कि 220 डेस्टिनेशंस को क्रिएट करना और 1000 नए रूट्स को एस्टैब्लिश करना, बराबर ना? 1000 नए रूट्स को एस्टैब्लिश करना। तो अभी तक 68 डेस्टिनेशंस डेवलप हुए उसके अंदर में,
और 425 रूट्स आइडेंटिफाई हुए, लेकिन टारगेट है 1000 रूट्स और 220 डेस्टिनेशन 2026 तक, 10 साल के अंदर, 2016 से 2026 तक, बराबर ना? ओके और उसमें से नाइन, तो फ्रेंड्स आई थिंक आज को, तो फ्रेंड्स आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।